स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हम लोग सेट थ्योरी के नेक्स्ट टॉपिक को फिर से पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका सेट थ्योरी का है। जो सेट आप पढ़े थे उसको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो सेट्स को कई बुकों में तीन तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया, बट मेनली दो मेथड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसी को जान लेने से सब कुछ उसमें आता है। इसमें फर्स्ट मेथड है रोस्टर मेथड आर टेबुलर फॉर्म, रोस्टर मेथड आर इसी को टेबुलर फॉर्म कहेंगे। सेकंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म आर रूल मेथड। इस दोनों मेथड में से किसी एक मेथड से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का कंडीशन है, इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट इन ए कर्ली ब्रैकेट सेपरेटिंग बाई कॉमाज। तो हम रोस्टर फॉर्म का डिफिनेशन यहां से जाने, इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट इन ए कर्ली ब्रैकेट सेपरेटिंग बाई कॉमाज। रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखना होता है तो सेट के सारे एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और एलिमेंट्स को कॉमा के द्वारा सेपरेट कर देते हैं, कॉमा के द्वारा अलग करते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर सपोज कीजिए इफ एक्स इज अ सेट दैट इज एक्सप्लेन एज ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 11। अगर कहा जाए कि एक्स एक ऐसा सेट है जो सारे नेचुरल नंबर का सेट है और उसमें 11 से छोटे सारे नंबर्स लिखे गए हैं, तो एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर चूंकि 1 से स्टार्ट होता है तो 1 से हम 10 तक के सारे नेचुरल नंबर को लिखेंगे, ये 10 हमारा 11 से छोटा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म है। इसमें कर्ली ब्रैकेट का यूज किए हैं और जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे सबको कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दिया। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल, यहाँ पी एक ऐसा सेट है इसके बारे में कहा जा रहा है ए सेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवेल्स आएंगे उस सेट बी में उसको लिखे जाएंगे। तो वॉवेल्स हमारे ए ई आई ओ यू होता है, तो बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट यूज किया, सारे एलिमेंट्स को लिखा, सबको कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दिया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेट का रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म में करने के लिए जितने भी पॉसिबल एलिमेंट उस सेट के हो रहे हैं सबको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख करके एलिमेंट्स को कॉमा के द्वारा सेपरेट कर रहे हैं। दूसरा मेथड होता है सेट रिप्रेजेंटेशन का, सेकंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म आर रूल मेथड। इसके बारे में डिफिनेशन ऐसे दिया जा सकता है कि इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म, इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी विल राइट द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। इस मेथड में सेट बिल्डर फॉर्म वाले मेथड में हम सेट के अंदर सारे एलिमेंटों की जो कॉमन प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे उनको हम सेलेक्ट किए हैं, जिसके बेसिस पे उनको आउट किए हैं, सेपरेट किए हैं, उस प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। इस चीज़ को एक एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू ए सेट हैविंग एलिमेंट्स 3, 5, 7, 9, 11 इज ए सेट, देन इट्स सेट बिल्डर फॉर्म विल बी। इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना हो, एक्चुअली ये रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह से उसकी प्रॉपर्टी को लिखा जा सकता है। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n-1, दिस एन इज ग्रेटर देन आर लेस देन 2, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, आर लेस देन आर इक्वल टू 6,
एंड एन बिलोंगिंग टू एन, इसका मतलब यह हुआ कि एक्स की वैल्यू 12 माइनस 1 होगी और ये स्मॉल एन या 2 से लेकर के 6 तक लिया जा सकता है और एन इसमें नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब एन इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर आप इसमें इस जगह पे एन की जगह पे 2 अगर पुट करें तो 4 माइनस 1 या 3 आपका हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप 3 पुट करें तो 6 माइनस 1 5 आपका हो जाएगा, यहाँ पे अगर 4 पुट करते हैं तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, 5 पुट करेंगे एन की वैल्यू तो 10 माइनस 1 9 हो जाएगा और 6 पुट करेंगे तो 12 माइनस 1 12 हो जाएगा। तो जो ये एलिमेंट पाना है किस तरह से मिलेंगे उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे, इसमें उसके एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को कॉमन प्रॉपर्टी को लिखा गया है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म आप सेट करेंगे। इसमें ये 2 पॉइंट्स लगाया जा रहा है ऊपर नीचे, इसके जगह पर एक वर्टिकल लाइन भी ड्रा किया जा सकता है और इस दोनों रिप्रेजेंटेशन को दोनों सिंबल को हियर सिंबल दिस आर दिस रीड एज सच दैट, इसका सच दैट प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो इसके जगह पर अगर हम ऐसे चाहे वर्टिकल लाइन ड्रा करके भी इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। आप पढ़ने के लिए इसको ऐसे करेंगे कि अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में सेट ए को लिखना है तो कहेंगे ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n-1 वेयर एन इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल टू आर लेस देन 6 एंड एन इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एन। सिमिलरली एक और क्वेश्चन आपके पास यहाँ से कहा जा रहा है कि क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई सेट हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो उसको रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 18। यहाँ एक्स ए हमारा एक ऐसा सेट है जिसके प्रॉपर्टी को लिखा जा रहा है कि सारे प्राइम नंबर जो 18 से छोटे हैं उनको लिखना है। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, ए इज इक्वल टू हमारे प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18 से छोटे सारे प्राइम नंबर हमें दीजिए। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखने का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ ये जाने कि सेट के रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड हैं, एक हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरे को सेट बिल्डर फॉर्म आर रूल मेथड इसको बोलेंगे। रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म में हमको किसी भी सेट के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को कॉमन प्रॉपर्टी को दिया रहता है, उस बेसिस पे उस एलिमेंट्स को हम फाइंड आउट करते हैं और उन सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में कामा के द्वारा सेपरेट करके लिख देते हैं और इस तरह से लिखना रोस्टर फॉर्म होता है। और सेट बिल्डर फॉर्म में आपने देखा कि कोई सेट अगर हमारे रोस्टर फॉर्म में दिया है अगर उसको हम चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना तो उस सेट की कॉमन प्रॉपर्टी को नोटेशन के तरह से इस कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो इन दो तरह के रिप्रेजेंटेशन सेट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब हम जब जो भी सेट के बारे में पढ़े हैं उसको कुछ क्वेश्चन से समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ये क्वेश्चन लिखा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे। हमको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये सेट है कि नहीं। सेट का डिफिनेशन फिर से याद करें तो उसमें आता है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सेट के लिए ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट करने के लिए एक वेल डिफाइंड वर्ड होता है जिस बेसिस पे उस एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं एक जगह सेपरेट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को कलेक्शन करना है ईयर में जितने मंथ हैं उन मंथ को कलेक्शन करना है, लेकिन उस मंथ में भी उस मंथ को लिखना है इस सेट में जो जे से शुरू होते हैं। एक्चुअली वन ईयर में 12 मंथ होते हैं, इस 12 मंथ में 3 ऐसे मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं
वह जनवरी है, जून है, जुलाई है। इसमें कोई जरूरी नहीं है, आप चाहें तो जुलाई को पहले लिख सकते हैं, जून को पहले लिख सकते हैं, इस ऑर्डर में कोई गड़बड़ होने में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। तो आपके पास जो ये स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि इस बेसिस पे आप इसमें जो आने वाले पर्टिकुलर इवेंट को छांट पा रहे हैं, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड एग्जाम क्वेश्चन है आपका, ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैटमैन ऑफ द वर्ल्ड, हमको ऐसा छांटना है कि पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट के बेस्ट बैटमैनों का जो एक टीम है, 11 लोगों का नाम लिखना है। तो आप ये जानते हैं कि क्रिकेट में इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है कि जो अच्छा बैटमैन है वो बहुत अच्छा हर बार खेलेगा, जो बुरा बैटमैन है हर बार बुरा खेलेगा। तो जो बेस्ट बैटमैन अवार्ड दिया गया है सेट के लिए वेल डिफाइंड अवार्ड नहीं है, इसलिए इसको हम सेट नहीं कर सकते। ऐसे ही नीचे आपका एक और क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट मैन ऑफ दिस सिटी, शहर के ऑनेस्ट मैनों का कलेक्शन निकालना जाए करना हो, तो हमारे पास किसी भी पर्सन को देख करके ऐसा कोई सिंबल नहीं उस पर्सन के बॉडी पे बना हुआ था जिससे हम उसके ऊपर ऑनेस्ट का स्टैंप लगा हो, तो हम ऑनेस्ट का पहचान पीपुल्स को मैंस को देख करके नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी सेट के कैटेगरी में नहीं आता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में रखा गया है, ये क्वेश्चन 2 क्या है, राइट फॉलोइंग एज ए रोस्टर फॉर्म, हमारे पास सेट दिया इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का है, ई एक सेट है और इसके बारे में क्या लिखा जा रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड फेलो, फेलो वर्ड में जितने भी लेटर्स आए हैं उससे सेट बनाना है। तो जब कोई भी वर्ड दिया रहता है और उसके लेटर्स से सेट बनाना होता है तो पहला काम ये करते हैं कि उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये लिख लेंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और एलिमेंट्स के रूप में इन लेटर्स को लेना है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम इस लेटर्स को सेट के एलिमेंट्स में लिखेंगे तो लेटर्स स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, पहला कंडीशन यहाँ पे है। दूसरा कंडीशन यह है कि एक ही तरह का एक ही लेटर की रिपीटिंग कई बार भी हो तो उसको उतने बार ना लिख करके सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो इस तरह से फेलो में जो जो भी लेटर्स आए हैं, एफ आया तो स्मॉल एफ लिख दिया, ई आया तो स्मॉल ई लिख दिया, एल दो बार आया तो एक बार स्मॉल एल लिखा, ओ आया है ओ लिखा और डब्ल्यू आया तो छोटे लेटर्स में इसको लिख दिया। तो हम इस सेट को रोस्टर फॉर्म में यहाँ लिख दिए। एक और क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो रहा है कि ए इज ए सेट x such that x is an integer such that x square less than or equal to 4, मतलब इसमें हम x की वो इंटीजर की वैल्यू लिखेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्वालिटी लेना करना है, मतलब हमको x की वो सारी वैल्यू लेनी है जिसका स्क्वायर करें तो या तो 4 आए या 4 से छोटा रह जाए, वो सारे नंबर्स इसमें लिखना है। तो यहाँ पे हम इसको लेकर के सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद x की दो वैल्यू हमको मिलेगी, इसका x स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसमें आपके इस सेट में ये सारे नंबर्स हमारे आएंगे, a इज इक्वल टू 2 और माइनस 2 जो इसको सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वालिटी को। आफ्टर दैट ये रोस्टर फॉर्म हो गया। फिर आगे एक और क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि अगर सेट x है जिसके एलिमेंट 1, 4, 9, 16, 25 दिया है और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, इस प्रॉपर्टी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब यह हुआ कि हमको n की वैल्यू स्मॉल n की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक 5 तक लेनी है और उसका स्क्वायर करें, उसका स्क्वायर करें तो इसमें से नंबर आने चाहिए। तो मान लीजिए n की वैल्यू अगर 1 ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 लेंगे n की वैल्यू तो उसका स्क्वायर 16 होगा और ऐसे ही n की वैल्यू 5 लेंगे तो उसकी वैल्यू 25 होगी। तो इसको हम ये सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं।